तो मैं जो सबके हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उनको सुनने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आचार्य श्री से कि वो अपना संबोधन और अपना आशीर्वाद वचन देकर के हमें अह ग्रस्त यहां पर उपस्थित आप सभी भाई बहनों से निवेदन है अपनी आंख बंद करते हुए तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण हम करेंगे ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया पतञ्जलि परिवार का यह समृद्ध ग्राम का जो परिसर है सच में ग्राम की समृद्धि के लिए जो सर्वत्मना संलग्न है जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है ऐसे आप सभी भाई बहनों की उपस्थिति से हमारा शब्द आज सार्थक हुआ है इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं आप सबका बहुत वंदन करता हूं हमने एग्रीकल्चर को लेकर के प्रयास किया है देश के लिए देशवासियों के लिए कुछ सहयोग करने के लिए या कुछ नया देने के लिए यह सब तब संभव हो सकता है जब आप सभी लोग इस कार्य के लिए साथ दें सहभागी बने वास्तव में हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे होते हैं हम तो आपके किए हुए काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए माध्यम बन रहे होते हैं तो उस आपके किए हुए कार्य को आपके द्वारा किया हुआ जो तप और पुरुषार्थ है यदि वह देश के किसानों के घर घर में पहुंच जाए तो किसान वैसे ही समृद्धशाली हो जाएगा तो ये सारे कार्यक्रम के लिए हमारे बहुत ही प्रिय पवन जी विवेक जी ऋषि जी जो लगी हुई टीम है और साथ में डॉक्टर वेद प्रिया जी और उनकी पूरी टीम हमारे सहयोगी के रूप में जो सेवा कर रहे हैं उन सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और ये अच्छी बात है कि इस कृषि कार्य वस्तुतः यह जो देश है ये ऋषि और कृषि का ही देश है यदि आप अतीत में देखें तो ऋषि मतलब आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक क्षमता कृषि अर्थात जीवन निर्वहन के लिए भरण पोषण के लिए जो उपाय है वो कृषि है यह एक समय था आप सब जानते हैं आप बोलते भी हैं इस बात को उत्तम कृषि कहा गया उत्तम कृषि मध्यम व्यापार और नीचाकार तो चाकरी तो आज प्रथम हो गया उल्टा हो गया तो हर कोई इस अभिलाषा में बैठा है कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाए और वास्तविक आंकड़ा यह है कि सरकारी नौकरी कितनी प्रतिशत मिल रही है हम सबको पता है तो हमको आज जो एक मानसिकता बनी हुई है कृषि कार्य वह जब कुछ नहीं मिलता है वो किसानी करता है इस अवधारणा को आपको तोड़ना है जैसे हमारे अभी राजस्थान वाले भाई कह रहे थे चड्डी फटी थी जब बचपन में था अब उसी खेती ने मुझे करोड़ों में खिलाया है तो सच बात है देखो आप सबको अभी मैं सुन रहा था लगभग डेढ़ घंटे से मैंने अभी आपको सुना है मुझे तो आप सब बहुत अच्छे वक्ता भी लगे आप लोग खेती करते करते भाषण देना भी सीख गए हो ये मुझे नहीं पता ये योगाहार का प्रभाव है या पहले से ही इतने धुरंधर हैं आप लोग तो मुझे तो ये लग रहा था जितने भी यहां बैठे हुए मैं देख रहा था आप सब अपने आप में एक किसान नहीं एक संस्था बन गए हो ये बड़ी बात है तो आप लोगों को देख करके आपके कार्यों से क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं स्वेना क्रतुना संवरित ये वेद शास्त्र का कथन है कि हमें शब्दों से नहीं कर्म से हम एक ऐसा कर्म करें कि हमारे कर्म जो है वो पूरी दुनिया को उस कर्म की ध्वनि सुनाई देने लगे तो आप बहुत सारे भाई बहने अभी वो हरियाणा वाले भाई बहन जो थे हमारे बहन जी मैं देख रहा था ये भाई से बहन जी प्रेरित है कि बहन जी से भाई जी तो मुझे तो ये लग रहा था ये बहन जी उसको लगा करके रखती है भाई साहब को तो तो जो है अब बढ़िया अच्छा भाषण इतना बढ़िया दे रहा था ये अरे टनाटन तन एकदम तो ये जो चीजें हैं सच में जो आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता है आपके शब्दों में जो कॉन्फिडेंस है वो किताबों के पढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस नहीं है ये जीवन में संघर्ष से तप करके जो आपने पाया वह आत्मविश्वास है आपका तो इसको बोलते हैं कर्म की ध्वनि जो आपने किया और जितने भी मेरी माताएं बहने भाई हैं जिनको अभी भी कहीं एकाद प्रतिशत कहीं शंका हो तो मुझको लगता है कि इसके बाद तो शंका नहीं बचनी चाहिए और यहाँ पर जैसे आप ही मालिक हैं भाई हमने तो व्यवस्थाएं की हैं लोग ये कहते हैं मैं पहले भी कई बार होती है पतंजलि में यहाँ पर भी आपने देखा होगा खेत में काम करने में ठीक है आपको तपती धूप में चालीस पचास डिग्री में रहना होता है पर हमने यहाँ टना टन ए की व्यवस्था कर रखी है ठंडी हवा खाओ खेत की बात करो हाँ कोई हमेशा जरूरी थोड़ी है कि हम ही धूप तप, में तपेंगे तो ये व्यवस्था करी हुई है तो यहां पर आपने आकर के जो अपने अनुभव आप साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में मैं देख रहा था ये किताबें भी बहुत सारी किताबों से तो किताब तो पत्ती थी पर पैकिंग ऐसी थी जैसे मान लो कि इसके अंदर सच में ही कुछ खजाना हो है तो अच्छी चीज तो बढ़िया तो ये बहुत सुंदर था तो देखिए हमने विशेष करके हम भी कृषक परिवार से हैं किसान के पृष्ठभूमि से हैं श्रद्धे स्वामी जी पूज्य महाराज श्री भी हमने गरीबी को देखा है हमने अभाव को देखा है भाषण में कहने के लिए नहीं सच में ही देखा है और गुरुकुल में भी गए तो जितने साल हम गुरुकुलों में हमने पढ़ाई करी हमने गौ सेवा भी करी है गोबर भी उठाया है दूध भी निकाला है सणी भी करी है चारा भी किया है गायों का बरसिम भी काट करके लाए हैं सर में लाद करके गांव से भूसों के गठड़ भी उठाए हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो एक किसान के घर में काम होता हो और हम लोगों ने नहीं किया हो हाँ एक काम जरूर मैंने गुरुकुल में जाकर के नया सीखा जब गुरुकुल खानपुर में पहुंचा तो उससे पहले हमको ऊंट गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो वहां यह भी सीख लिया जो काला गुरुकुल में पहुंचे तो बैलगाड़ी चलानी नहीं आती थी वो भी सीख ली तो भाई हमने तो बैलगाड़ी से लेकर के झोटा गाड़ी शायद बैलगाड़ी नहीं कहेंगे हम उसको तो झोटा गाड़ी से लेकर के ऊंट की गाड़ी तक चलानी सीख ली हमने तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया हो और हमें अच्छा लगता है कि ये कहते हुए कि हमने तप किया है हमने पुरुषार्थ की है हमने धरती माता के साथ कहीं ना कहीं उसकी सेवा की है गौ माता की हमने सेवा की है और आज भी इसी तरह से जब हम कहीं पर भी जाते हैं किसी भी खेत में जाते हैं खलिहान में जाते हैं जंगलों में जाते हैं लोगों को ताज्जुब लगता है क्योंकि आज जो लोग हमको जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी को जानते हैं उन लोगों को लगता है कि इनके पास बहुत सारे संसाधन हैं इतने लोग जुड़े हुए हैं इतनी बड़ी संस्था है इतने सारे यहाँ पर काम होते हैं तो उनको लगता है कि ये तो सीधे एसी में और बड़ी गाड़ी में और मस्ती में सिर्फ सुख के उपभोग में रहते होंगे सच मानिए हमने जीवन में कभी भी जीवन को सुख के साधनों में जीने के लिए इस शरीर को हमने नहीं माना है साधन के रूप में तो जरूरत होती है परंतु विलासितता के लिए हमने एक भी किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया है तो उसका परिणाम है उसको देखना है ना कि किसी को भी आप कहें कि जो जीवन के साधन है कोई साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है या सुख के उपभोग के लिए प्रयोग कर रहा है तो हम पता कैसे लगाए एक दिन धूप में बैठा दो मैं दिन भर ऑफिस में एसी में बैठता हूं मेरी मजबूरी ऑफिस में बैठना पड़ता है कई बार एसी बंद भी कर दू आने वाले लोग पसीने से तरबत्तर हो जाते हैं पर मैं रात को तो मैं घर में अकेला रहता हूं मैं स्वतंत्र हूं मैं इसी बिना चलाए सो सकता हूँ थोड़ी गर्मी लगे मैं पंखे में रह सकता हूं सुबह उठ करके मैं वो कहीं पर भी खुले में घूम सकता हूँ ठंड में रह सकता हूँ सर्दी में मुझे गर्म पानी से नहाना है कि ठंडे पानी से नहाना है मेरे घर में गीजर है पर मैं ठंडे पानी से नहाऊं तो मैं स्वतंत्र हूं यदि मैं रहता हूं तो खेतों में जाता हूं ठीक है दूर है गाड़ी से जाना मजबूरी है खेतों में जाकर के घंटों धूप में घूमता हूं तो वह तो हम कर सकते हैं तो इसीलिए आपके पास समृद्धि भी आ जाए उसको साधना मानना और अपने मूल कर्म को कभी मत छोड़ना क्योंकि दुनिया ऐसी सिखा देती है हमको कभी कभी लोगों को लगता है पैसा हो तो क्या हो बढ़िया घर हो पैसा हो तो क्या हो बढ़िया गाड़ी हो अरे घर बढ़िया हो जाने से बिस्तर बढ़िया हो जाने से नींद आने की कोई गारंटी नहीं है गाड़ी बढ़िया हो जाने से अंतर के शकुन अंदर की शांति की कोई गारंटी नहीं है तो हमको हमेशा यह प्रयास करना है कि हमारी अंदर की जो शांति है अंदर का जो सुख है अंदर की जो तृप्ति है वो हमसे कभी वंचित ना हो जाए बस इसका ध्यान रख लेना तो गरीबी में नहीं जीना है अभावों में नहीं जीना है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं साधन युक्त बन करके साधनों का त्याग करना यह वास्तव में त्याग है आपको ऐसा बन करके दिखाना जीवन निर्वहन के लिए साधन जीवन तो कोई भी पाल रहा है तो हमें समाज के लिए मुझे अच्छा लगा एक बड़ी सी बात बहुत सारी बातें आप लोग इतनी अच्छी अच्छी कह चुके हो शायद आपको भी नहीं पता कि आप कितनी गहरी बातें कर रहे हैं भाई आदमी कमाता है कहे के लिए पुण्य करने के लिए कहता कोई धर्मशाला बनाएगा कोई ये दान करेगा कोई गौशाला में दान करेगा कहीं करेगा सच मानी है, आप पुण्य ही कमा रहे हो यानी कमा करके पुण्य करना और सीधा पुण्य कमाना इसमें बहुत फर्क है तो आप तो डायरेक्ट पुण्य के खजाने को प्राप्त कर रहे हैं आपके लिए बड़ी बात है सीधे आप गौसेवा में जुटे हुए हो एक लाला जी कमा करके थोड़ा सा कहता भी ये गौदान के लिए ले जाओ आप दिन में धूप में तप करके भरी दोपहरी में और अपने आप को लगा करके घंटों परिश्रम करके गाय की सेवा कर रहे हैं तो आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं आप तो आपको पुण्य के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं यही पुण्य है आप जैविक कृषि करके न जाने कितने घरों में कितने परिवारों में कितनी लाइलाज बीमारियां होने को हों और आपका जैविक कृषि करके यदि वो रोग मुक्त तो हो रहा है तो उसका पुण्य किसको मिल रहा है वो आपको मिलेगा उसका पुण्य क्योंकि हर कार्य का उसका मूल्यांकन पैसों से नहीं होता है उसका जो मूल्यांकन होता है उसके परिणाम से होता है वो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे वो परोक्ष हो तो जो आप काम कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो अद्भुत है आप जो काम कर रहे हैं उससे सुंदर काम और कुछ हो नहीं सकता इस धरती माने मैं अभी जलगांव होकर के आया था जैन इरीगेशन में मैं देखने गया था तो राजस्थान वाले मिनी इजराइल भी देखने के लिए हम टीम को भेजेंगे वहाँ पर भी जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पर गया था मैंने एक वाक्य उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा मुझे आदरणीय भंवर लाल जी जैन उन्होंने एक वाक्य सब जगह इंग्लिश में लिखाया हुआ है उनका हिंदी अर्थ यह है कि जब तुम को तुम धरती में आए थे जैसी इस धरा आपको मिली थी धरती आपको जो पृथ्वी जैसी थी उसको उससे सुंदर बना करके हमको जाना है बस यह संकल्प कि इस दुनिया में आते समय जैसी हमें ये धरती माँ जिस तरह का प्रकृति वातावरण हमें प्राप्त था उसको और सुंदर बना करके हमको जाना है यह संकल्प आप सब लें देखो धरती को हम माँ कहते हैं हमको लगता है कि धरती चेतना युक्त है या जड़ है मैं आपको बताना चाहता हूं धरती में भी चेतना है जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायरस और अलग अलग तरह के जीवाणु विषाणु हैं लाखों की संख्या में है बैक्टीरिया बहुत सारे हैं शरीर में तो घूम रहे हैं चारों तरफ तो जो बैक्टीरिया है हमको पता नहीं चलता है ना हमको तो पता ही नहीं चल रहा यही हाथ में पता नहीं कितने हैं तो ऐसे धरती इतनी विशाल है कि हम उसमें खोद रहे हैं डाल रहे हैं खा रहे हैं तो धरती को एकदम तो पता नहीं चल रहा तो हमको लग रहा है कि धरती को क्या फर्क पड़ता है परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि धरती में हमने जो अत्याचार इन पचास वर्षों में किया है पिछले हजारों वर्षों में ऐसा अत्याचार नहीं हुआ था ये अभी बहुत चिंतनीय विषय बन चुका है हमने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया मैंने बहुत चिंतन किया हम लोगों ने एक पुस्तक अभी लिखी है नवाहरित क्रांति के नाम पर बड़ी मोटी सी है उस समय पर भी मैंने इन लोगों को बताया था मैंने बहुत सोचा ये आप लोगों को पता भी है पर सोचने के लिए मैं पुनः उन बातों को आपको समझाने का प्रयास करता हूं पचास साल पहले की हमारी समस्या क्या थी एक समस्या थी कि हमारे यहां पैदावार कम थी खाने वाले लोग ज्यादा होने शुरू एक ही समस्या थी अन्न से बीमारियां ही पैदा हो रही थी अन्न के कारण से दूसरे रोग नहीं पैदा हो रहे थे अन्न उपजाने के लिए धरती खराब नहीं हो रही थी बाकी कुछ भी गड़बड़ नहीं था एक ही थी कि हम हम भूखमरी के और हमको खाने के लिए साधन कम थी तो एक मजबूरी हुई कि हरित क्रांति के रूप में कि पैदावार के लिए कि कैसे ज्यादा पैदा किया जा सके एक चीज पर फोकस किया गया तो हमने एक चीज की तो प्राप्ति कर ली पैदावार को तो हमने बढ़ा लिया पर उस पैदावार को बढ़ाने के लिए यह सोचने का विषय है कि हमने क्या क्या खोया मैं आपको थोड़ा सा गिनाना चाहता हूं एक सबसे पहले क्या हुआ जब हम कम पैदावार कर रहे थे किसान अपना मालिक स्वयं था आज किसान मालिक नहीं है आज किसान एक तरह से पराश्रित एक जैसे कहते हैं ना हम कई बार शब्द प्रयोग करते हैं बहुत हल्का माना जाता है गुलाम गुलाम शब्द का मतलब होता है पूरी तरह से पराश्रित हो जिसका कोई अपना अस्तित्व तो ना हो आज सच मानिए किसान आज गुलाम है पूरी तरह से गुलाम है अब मैं गिनाता हूं कि आप कहेंगे जी हम तो गुलाम नहीं है मैं तो किसान हूँ मैं तो इतने एकड़ एक का मालिक हूं मैं तो इतना उगाता हूं तो उस मालिक पने को लाने में क्या क्या चीज बाधक है वो मैं गिनाना चाहता हूं सबसे पहले मेरी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं पूरे देश की स्थिति में गिनाता हूं पहले क्या होता था जब एक बहन शादी करके पति के घर जाती थी उस समय पर देखती थी कि पति के घर में खेती में कोई अच्छे बीज जैसे जिसको कहते हैं ना ज्यादा जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं यदि उसको वहाँ पर दिखाई देते तो कभी उसका भाई मिलने के लिए आए तो बहन कहती थी भाई यहां पर ये वाले बीज अच्छे हैं तुम थोड़ा ले जाओ या कभी जब दिखता था कि उसके ससुराल में बीज अच्छे नहीं है तो अपने पति को कहती कि पतिदेव मेरे माई के यहां जो है ना उस चीज का बहुत अच्छा बीज मिलता है उसको आप लाके खेत में लगाओ यानी परंपरागत जो उन्नत बीज की परंपरा थी उसकी संभाग हमारी माताएं बहनें थी पूरे देश के अंदर वो बीजों का आदान प्रदान एक गांव से दूसरे गांव सिर्फ वो शादी होकर के नहीं जाती थी वो बीजों को पूरा संरक्षित करने में संवर्धन कराने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था और धीरे धीरे सारे जो परंपरागत जो उन्नत बीज हैं एक एक करके आज समाप्ति के कगार पर है हम पूरी तरह से मल्टीनेशनल्स कंपनी के गुलाम हो चुके हैं बीज के लिए यानी किसान मैं आपको मजेदार बात बताता हूं एक तो मानसिकता को भी बदली है हम खेत में उगाते हैं उन्हीं गेहूं का बीज सीड के नाम पर बाजार से दुगुने रेट में तीन गुने चार गुने रेट में हम खरीदते हैं तो किसान लोग आप सभी लोग उस बीज को अपने खेत में क्यों नहीं तैयार कर सकते जैसे गेहूं का बीज है धान का बीज है इसमें कुछ नहीं लगता वही धान जो आप उगा रहे हो वही वहां से बाजार से आता है तो अपने घर में रखो तो आपको चार गुना पैसा क्यों देना तो ये जो बीज के संरक्षण और संवर्धन की परंपरा है यह अपने क्षेत्रों में आप शुरू करिए और परंपरा भीज, गत बीज जहां पर भी उपलब्ध हो उनको प्रमोट करने का प्रयास करिए क्योंकि जब इस तरह के बीजों का संरक्षण होगा उसमें हम थोड़ा ईल्ड वाले जिसमें ज्यादा पैदावार होती है ऐसा बीज लाएंगे तो उन बीजों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः होती है जो हाइब्रिड होता है ना उसमें वो क्षमता नहीं होती है जैसे भाई कह रहा था ना कि मित्र जीवाणों, मित्र हमारे कीट मित्र ये सब पतंग सारे जितने भी चीज मित्र तो हैं वो हमारे वाले टाइप अनाज के लिए तो हैं पर वो विदेशी लाओगे ना वो झेलता नहीं उनको तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी परंपरा को अपनी खेत में क्योंकि बीज ले आ रहे हो आप यूरोप वाली कीट पतंग हमारे भारत वाले देसी भाई कीट पतंग तो देसी है बीज विदेशी है तो मेल नहीं बना ना बात ना बनी तो ये संदेश आप दुनिया में पहुंचा सकते हैं तो इस चीज को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है और उस आप कहेंगे कि जी क्या हम हाइब्रिड को प्रयोग बिल्कुल नहीं करें क्या मैं कहता हूं आप करिए परंतु अंधाधुंध मत करिए आंख बंद करके मत करिए ऐसा नहीं कि कल जाके आप बिल्कुल ही पैदावार आपका कम हो जाए मैं ये नहीं कह रहा हूं पर हम जहां जहां पर अपने को ठीक कर सकते हैं वह भी अंधविश्वास है तो यह जरूरी है कि हम बीजों के विषय में बहुत सजग और सावधान होकर के उन्नत बीज के चयन में बहुत ध्यान दें पहली बात और वही पुरानी परंपरा उन्नत बीज का संरक्षण के साथ में अब आप इतने लोग जुड़ गए हैं ना आपस में एक परिवार की तरह से आप जुड़ गए हैं तो आपस में भी बीज के संदर्भ में शेयर करिए तो ये बहुत जरूरी है और दूसरी बात यह है बीज के बाद में दूसरी चीज आती है पहले गांव में क्या होता था जितने भी आप बैठे हैं चाहे कहीं पर भी हो उतनी उन्नत तकनीकी तो नहीं थी भी भाई ने तकनीक की बात करी तकनीक को अपनाने में हमें कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए हंड्रेड परसेंट आपको एक्सेप्ट करना चाहिए परंतु यहां एक बहुत बड़ी सावधानी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे इन्होंने तो कह दिया कि मैं आठ एकड़ एक में करोड़ों कमाता हूं मैं ऐसे किसानों को भी जानता हूं जितनी पूंजी थी पॉलीहाउस ग्रीन हाउस बना करके लगा दिया बाद में जो है ना वो झोली झंडे बेच करके घूम रहे बर्बाद हो गए क्यों क्योंकि पॉलीहाउस कोई ऐसी मशीन नहीं है कि लाकर खड़ा कर दिया तो कमा करके आपको दे देगी वो आपको और परिश्रम करने के लिए कहता है वो कि भाई तुमने ये ढांचा खड़ा किया है तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है एक किसान भाइयों को मैं कई बार क्या होता है ना एक गांव की कहानी सुनाते हैं लोग पुरानी वो मैं कई बार देखता हूं ये ग्रीन हाउस पॉली हाउस ड्रिप इरिगेशन और आपका हाइड्रोपोनिक्स और नई नई जितनी भी तकनीकें जो भी चीजें आ रही हैं तो ये कहानी क्या है कि ऐसा कहते हैं शुरू शुरू में आपने देखा होगा ना वो अब तो सबको पता है थर्मामीटर क्या है तो पहले गाँव में थर्मामीटर जो है वो नया नया थर्मामीटर शुरू हुआ तो एक शहर में रहता था लड़का तो उसने क्या किया कि वो थर्मामीटर लेकर के गांव में गया गांव में गया तो एक ताई बिचारी बीमार थी बुखार चढ़ गया तो ले जाकर के उसने थर्मामीटर लगाया ताई जी को ताई जी का तो बुखार उतर गया क्योंकि ताई जी ने यह समझा कि ये तो बुखार उतारने की दवाई है हाँ इसको लगाने से बुखार उतर जाता है तो बेचारा तो बुखार मापने का काम करता है तो दोबारा फिर जब बुखार चढ़ा ताई जी को बोला बेटा वो वाली मशीन लाइयो जरा बुखार उतारने वाली तो उसने कहा कौन सी ताई जी बोला वो जो तू ला करके मेरे को लगाया था ना जिस मशीन को तो आप ये पॉलीहाउस ग्रीन हाउस को ये खेती पैदा करने की मशीन मत समझो बस ये ध्यान रखना है कि ये साधन है इसको साधन मानो पर उस साधन के हिसाब से फिर खेती करना सीखो तो बात यह है कि ये फर्टिलाइजर और केमिकल की बात है फर्टिलाइजर और केमिकल ऐसा नहीं है कि विदेशों में लोग नहीं डालते मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे मैं अब मॉरिशस जाऊंगा खेती से खाने के लिए मॉरिशस में बता दू तो क्या करते हैं वन एट्टी प्रतिशत खेतों में तो गन्ना है वहां पर वो गन्ने से परेशान है तो तुम भी हाउस लगा लुगा के कुछ सिखा के आ जाइए वो अलग बात है पर गन्ना बहुत जबरदस्त फसल है वहाँ पर